शिक्षक साथियों नमस्कार, आपके अपने चैनल एसडी ऑनलाइन शाला पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, सत्र 2021-22 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रगति पत्रक जारी कर दिया है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो प्रगति पत्रक है ये प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए है। यहाँ पे सबसे पहले हमें विद्यार्थी की जानकारी फिल करना है। पहला ऑप्शन है विद्यालय का नाम, फिर विद्यालय यूडाइस कोड, जिला, विकासखंड, कक्षा। इसके बाद हमें फिल करना है विद्यार्थी का नाम, और यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु ऐड किया है विद्यार्थी का आईडी क्रमांक, जो कि आपको cgschool.in से प्राप्त हो जाएगा। फिर है दाखिल क्रमांक, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, जाति, ऊंचाई, वजन, रुचि, वर्तमान पता, फिर है मोबाइल नंबर, मैं बनना चाहती हूँ। इस प्रकार के यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में है जीवन कौशल, जिसमें बिंदु दिए गए हैं अनुशासन, सृजनात्मकता, स्वच्छता, संप्रेषण, तार्किक चिंतन, परस्पर सहयोग और नेतृत्व क्षमता, जो कि हमें अवधि जुलाई से दिसंबर और अवधि 2 में जनवरी से मार्च का फिल करना है। और यहाँ पे आपको ग्रेड फिल करना है, और अवधि 1 और अवधि 2 का यहाँ पे सकल ग्रेड यानी कि योग ज्ञात करना है। यहाँ पे है प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड निर्धारण सारणी। देख सकते हैं दोस्तों, प्राप्तांकों का प्रतिशत 91 से लेकर 100 तक ग्रेड ए प्लस, 81 से 90 ए ग्रेड, 71 से 80 बी प्लस ग्रेड, 61 से 70 बी ग्रेड, 51 से 60 सी प्लस ग्रेड, 41 से 50 सी ग्रेड, 33 से 50 डी ग्रेड और 33 से नीचे ई ग्रेड देना है। फिर यहाँ नीचे में है उपस्थिति जून से लेकर अप्रैल तक। फिर यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है कि खाली स्थान, कक्षा खाली स्थान का सत्र 2021-22 में आयोजित बेसलाइन आकलन में खाली स्थान ग्रेड, मिड लाइन आकलन में खाली स्थान ग्रेड एवं एंड लाइन आकलन में खाली स्थान ग्रेड है। और यहाँ पे कक्षा शिक्षक, प्रधान पाठक, संकुल समन्वयक और पालक का हस्ताक्षर कराना है। इसके पश्चात चलिए इसका बैक साइड देखते हैं। बैक साइड में सबसे पहले हमें फिल करना है माहवार इकाई मूल्यांकन, जिसे हमें लेना था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी में। और यहाँ पे हमें नंबर फिल नहीं करना है बल्कि ग्रेड फिल करना है। और फिर से यहाँ पे 4 लोगों का हस्ताक्षर कराना है, कक्षा शिक्षक, प्रधान पाठक, संकुल समन्वयक और पालक का। और यहाँ पे आकलन का विवरण फिल करना है। देख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, इस तरह से 4 विषय दिए गए हैं, बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन। प्रश्न पत्र के खंड अ में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रगति पत्रक में ग्रेड भरा जाएगा। मिड लाइन आकलन में खंड अ एवं प्रयोजना कार्य के अंकों के योग के आधार पर ग्रेड दिया जाएगा। विद्यार्थी की कोई विशेष उपलब्धि हो तो उसका उल्लेख यहाँ पे करना है। और फिर से यहाँ पे 4 लोगों का हस्ताक्षर कराना है, यानी कि शिक्षक, प्रधान पाठक, संकुल समन्वयक और पालक का। तो इस प्रकार से ये प्राथमिक विभाग का प्रगति पत्रक फिल करना है। इसके पश्चात चलिए देखते हैं माध्यमिक विभाग का। ये है दोस्तों माध्यमिक विभाग का उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए। यहाँ भी विद्यार्थी की जो जानकारी फिल करनी है वो सेम है। इसमें भी विद्यार्थी का आईडी क्रमांक फिल करना है, जो कि हमें पढ़े तुम्हार द्वार पोर्टल से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ जीवन कौशल और ग्रेड का विवरण भी सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों, सेम है। इसके पश्चात इसका बैक साइड देखते हैं। यहाँ भी माहवार इकाई मूल्यांकन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी के लिए फिल करना है। और यहाँ पे है आकलन, बेसलाइन, मिडलाइन, एंडलाइन, औसत ग्रेड। तो इसमें भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, सिर्फ विषय का ही परिवर्तन है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सत्र 2021-22 का प्रगति पत्रक हमें फिल करना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।